हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आया हूँ। एक तरफ खड़ी है R15 ब्लैक कलर, जो कि V4 का नया वर्जन है, और एक तरफ खड़ी है यमा की R1M, जो कि TFT डिस्प्ले वाली है। जी हाँ, ये TFT डिस्प्ले वाली, जिसमें आपको इंडिकेटर से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, ये नया मॉडल है R15M का। इस वीडियो में दोनों बाइक का कंप्लीट कंपैरिजन करने वाले हैं, क्या क्या डिफरेंसेस आपको दोनों बाइक में देखने को मिलते हैं, कितना ज़्यादा प्राइस डिफरेंसेस है और कौन सी आपको लेनी चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा अपने ओपिनियन से। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों बाइक के प्राइस के बारे में, कि दोनों ही बाइक क्या प्राइस आती है, कितना डिफरेंसेस आपको दोनों प्राइस में, दोनों बाइक में देखने को मिलता है। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अपनी जो R15 वर्जन M है, जो कि नया TFT डिस्प्ले वाला मॉडल है, ये आपको एक्सोरूम प्राइस अराउंड 1,93,300 रुपीज़ के आसपास की एक्सोरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात करें अपनी R15 वर्जन 4 ब्लैक कलर के बारे में, तो ये आपको एक्सोरूम प्राइस अराउंड 1,82,000 रुपीज से 1,84,000 रुपीज के आसपास की एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। सीधा मुद्दे की बात में आते कि दोनों बाइक में कितना प्राइस डिफरेंसेस है। देखिए, दोनों ही बाइक में आपको अराउंड 13,000 to 14,000, 13,000 to 14,000 रुपए के आसपास का प्राइस डिफरेंसेस देखने को मिलता है। जो वर्जन 4 है उसके कंपेरिजन में जो V4 है वो लगभग 14,000 के आसपास की जो है महंगी है। तो इतनी महंगी में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, इसके बारे में आपको कंप्लीट बताऊंगा। सबसे पहले आप दोनों का कलर देख लीजिए, ये R15M है, ये आपको सिल्वर कलर देखने को मिल जाता है। चलिए रिव्यू में आते हैं, रिव्यू भी करते रहेंगे और कंपैरिजन भी करेंगे। सबसे पहले दोनों बाइक के फ्रंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, दोनों बाइक का जो आपको फ्रंट है वो बिल्कुल सेम देखने को मिलता है। दोनों बाइक के फ्रंट में कोई डिफरेंसेस नहीं है, दोनों आपको सेम मिलेगी। सबसे पहले देख पा रहे हैं बाइक में आपको LED जो DRL लाइट है वो आपको बाइक में देखने को मिलती है, जिससे बाइक का लुक प्लस जो डिज़ाइन है वो आपको काफ़ी अच्छा निकल के आता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है भाई, नो डाउट काफ़ी प्रीमियम लगती है। इस पर भी आपको फ्रंट में सेम दिखती है, दोनों के फ्रंट में, दोनों बाइक में कोई डिफरेंसेस नहीं है। इसकी लाइट मैं आपको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ, ये जब ऑन होती है तब इसकी लाइट ऑन होती है, ठीक है। तो फिलहाल जो बाइक है अभी गियर में है अपनी, तो हम इसको कर लेते हैं न्यूट्रल। हाँ, ये हो गई न्यूट्रल, इसे ऑन करेंगे, ऑन करके ऑफ कर देंगे तो इसकी जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी। नो, बैटरी नहीं है इसमें, बैटरी नहीं है फिलहाल, इसमें ज़्यादा बैटरी नहीं है अभी, तो कोई बात नहीं। बाकी देख पा रहे कि बाइक में आपको सिंगल जो LED प्रोजेक्टर लाइट है वो आपको बाइक में देखने को मिल जाती है, दोनों बाइक में आपको सेम लाइट मिलेगी। देखिए, सस्पेंशन में कोई मतलब डिफरेंस मुझे नहीं लगते, दोनों में आपको 37mm की USD यानी कि अपसाइड डाउन जो सस्पेंशन आपको दोनों बाइक में मिलता है। यहाँ पे KYB की ब्रांडिंग दी है, इसमें ब्रांडिंग नहीं दी गई है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के सस्पेंशन सेम है, यहाँ पे मैं 100% श्योर हूँ। बात कर ले टायर साइज़ के बारे में, तो दोनों में आपको सेम 180 की जो टायर है वो फ्रंट में मिल जाती है। बात कर लेते हैं दोनों के ब्रेकिंग के बारे में। ब्रेकिंग में दोस्तों यहाँ पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों बाइक में आपको डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। दोनों ही बाइक में आपको 282 की प्लेट मिल जाती है, बस एक फ़र्क है उसमें, जो बाइब्री की ब्रेकिंग आपको ब्लैक कलर की मिलती है और इसमें थोड़ी गोल्डन कलर मिलती है, तो थोड़ा सा प्रीमियम लगता है कलर में, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोनों बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। इंजन में भी दोनों बाइक में आपको कोई डिफरेंसेस नहीं मिलता, थोड़ा बहुत फ़र्क मिलता है वो आपको आगे मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा दोनों बाइक में आपको 155cc का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक SOSC सिंगल सिलेंडर VVA टेक्नोलॉजी के साथ में जो इंजन है वो आपको दोनों बाइक में मिल जाता है। बात करें पावर के बारे में, दोनों बाइक में आपको सेम पावर मिलती है, 18.4 की PS पावर है, 14.2 का न्यूटन टॉर्क आपको दोनों ही बाइक में मिल जाएगा। दोनों बाइक में रेडिएटर देख पा रहे हैं, दोनों में लिक्विड कूल इंजन आता है, दोनों बाइक स्लीपर क्लच के साथ में आती है। और एक फ़र्क ज़रूर है, R15 की वर्जन 4 की ये वाली जो मॉडल है इसमें आपको किक शिफ्टर नहीं मिलता, बट इसमें किक शिफ्टर आता है। बट अगर आप रेसिंग ब्लू कलर लेंगे V4 का, तो दोनों में आपको किक शिफ्टर मिलेगा, ठीक है। दोनों बाइक में आपको FI इंजन देखने को मिलता है, दोनों बाइक 6 गियर के साथ में आती है, दोनों ही बाइक में आपको भाई जो इंजन है वो बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलता है, एंड दोनों में आपको BS6 के साथ में जो OBD2 सेंसर है वो भी कंपनी ने ऐड कर दिया है।
सो ये था दोस्तों दोनों बाइक का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। जैसे आप लोगों ने देखा कि दोनों बाइक में आपको कोई भी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलता, मतलब डिफरेंस क्या यार, कुछ भी नहीं मिलता आप कह सकते हैं। दोनों का जो इंजन है वो आपको सेम देखने को मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अब दोनों ही बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में। स्पीडोमीटर में आपको मैं बता सॉरी यार माइलेज के बारे में, माइलेज में आपको ऑब्वियसली बात है सेम इंजन है तो माइलेज भी सेम आएगा। दोनों में आपको अराउंड 40 के आसपास का जो माइलेज है वो आपको देखने को मिल जाता है। और ऑब्वियसली बात है दोस्तों R15 जो है इनकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको काफ़ी अच्छी खासी जो है वो देखने को मिल जाती है। ऑब्वियसली बात है भाई R15 है, यामा की बाइक है तो परफॉर्मेंस तो आपको निकाल कर देगी ही देगी। हाँ एक चीज़ मैं भूल गया, R15 वर्जन 4 में ना आपको LED इंडिकेटर नहीं मिलते हैं, बट जो V4 है अपनी M है नई वाली इसमें आपको LED इंडिकेटर मिलता है, तो ये भी एक आपको एक डिफरेंसेस मिलेगा। रियर की तरफ आते हैं, दोनों का एग्जॉस्ट बिल्कुल सेम है, दोनों के रियर की टेल लाइट दोनों सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। टायर साइज़ भी आपको रियर में 140/70 की टायर मिलेगी, रियर में आपको दोनों में 230mm की जो डिस्प्ले है वो आपको रियर में देखने को मिलती है। रियर में दोनों बाइक में आपको जो मोनोशॉक सस्पेंशन है वो आपको बाइक में मिल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं दोनों बाइक की सीट के बारे में। दोनों बाइक की सीट भी बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ पे आपको कोई फ़र्क नहीं मिलेगा दोनों की सीट में। अब बात कर लेते हैं भैया स्पीडोमीटर के बारे में, जो कि M का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आपको बता दूँ सबसे पहले आप की देख रहे हैं, इस टाइप का की आपको मिलेगा, ठीक है। पहले मैं आना आपको V4 का स्पीडोमीटर दिखा देता हूँ, ठीक है। इसकी भी आप की देख लीजिए, इसमें भी आपको ऐसी की मिलती है, सेम है, की में कोई फ़र्क नहीं है। इसमें आपको फुली जो डिजिटल मीटर है वो आपको बाइक में देखने को मिलेगा, जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर मिलते हैं लाइक स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, क्लॉक, ABS लाइट, फ्यूल गेज, सर्विस रिमाइंडर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमिक इंडिकेटर, मोबाइल कनेक्टिविटी, सारे फीचर्स मिलेंगे इसमें भी। बट शर्त ये है कि एक ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले है, ठीक है। अगर बात कर लें अब नई वाली M के बारे में, तो M की खास बात यही है दोस्तों कि इसमें आप लोगों को ना TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और ये बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे यामा वालों ने दी है। नाउ यू कैन सी यहाँ पे आपको नया कलर TFT डिस्प्ले इस बाइक में देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही प्रीमियम है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है भाई, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। फीचर्स के बारे में बात कर लें, काफ़ी सारे फीचर है इसमें, ठीक है। पहले तो देख रहे हैं ये कलर्ड है, यहाँ पे आप काफ़ी सारे सेटिंग्स भी कर सकते हैं इन स्विचेस से, ठीक है। कैन सी एंड यहाँ पे और भी, ठीक है, ये पास स्विच है इनका और स्विचेस भी इसके चेंज है ना, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बात करें फीचर के बारे में, यहाँ पे गियर इंडिकेटर है, ये ट्रैक्शन कंट्रोल है, ये स्पीडोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे आपका एवरेज फ्यूल इकोनॉमिक इंडिकेटर है, ये आपका अपना वो है फ्यूल इंडिकेटर है, यहाँ पे ओडोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको बाइक में मिलता है, यहाँ पे भी इसका एक स्विचेस मतलब लोगो मिलता है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलेगी। और क्या क्या चीज़ें मैं थोड़ा देखना चाह रहा हूँ, ओडोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2, यहाँ से एवरेज फ्यूल इकोनॉमिक इंडिकेटर, बैटरी वोल्टेज, कूल टेम्परेचर, कितनी टेम्परेचर है बाइक का वो भी आपको दिखेगा। और ये आपका देख पा रहे हैं, ये इसका मोड है, एक ये मोड है और एक ये मोड है, ठीक है। ये ट्रैक मोड होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और ये आपको रोड मोड देखने को मिल जाएगा। और एक सेटिंग्स खुलती है यार, मैं वो देखने की कोशिश कर रहा हूँ फिलहाल, आई थिंक इसको प्रेस करने से खुलती है। हाँ ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको डिस्प्ले थीम, डिस्प्ले कलर, वॉलपेपर, यहाँ से आप इसमें वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट मीटर वॉलपेपर, यहाँ से देख पा रहे स्पोर्ट्स स्मार्ट, ठीक है। नाउ अपन स्मार्ट में डाल देते हैं, अब देखते हैं ये कैसे लगेगी। स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स इन इस मोड है ये, ठीक है। अब अपन करते हैं बैक, वापस से डिस्प्ले में आते हैं, ये हो गया बैक। सो अपन ऐसे मिनिमाइज़ कर लेंगे ना, कि प्रेस करके रखते हैं तब ये मिनिमाइज होता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हैं, अब इसे एक बार ऑन और ऑफ़ करके देखते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले थीम पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, यू कैन सी। तो भाई ये मतलब फीचर जो है ना बहुत मुझे अच्छे लगे। बाकी ये मेजर डिफरेंसेस आपको M में मिलेगा। बाकी सीट हाइट भी दोनों की सेम है, 815mm, और वेट भी लगभग सेम है, 142 kg। कर्व वेट भी वही है लगभग, है ना, और ग्राउंड क्लियरेंस 170 के आसपास का मिल जाता है। अब दोनों में आपको कौन सी लेनी चाहिए, देखिए यहाँ पे सीधा सा डिपेंड करता है आपके बजट पे। भाई आपके पास जितना पैसा होगा आप उसके हिसाब से कोई चीज़ खरीदेंगे। अगर आपके पास बजट नहीं है तो गो फॉर R15 वर्जन 4, पैसा है तो गो फॉर R15 M। बाकी आप बताना दोनों में कौन सी ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।